राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। जैसे कि मान लो आपको कोई कहता है कि 4 का फैक्टोरियल, तो आपको पता है ना 4 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 4 × 3 × 2 × 1 करके, ठीक है। देन आंसर आपका कितना आ जाएगा, 24। अब ये प्रोसेस आपको उसमें अकॉर्डिंग में अपना प्रोग्राम बनाना है कि उसको किस तरीके से समझाएं कि हमारा फैक्टोरियल ये बन जाए, ठीक। अब हमें ये देखो, सबसे पहले उसको बताना है भाई हमें किस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। जैसे मैं कहूँ 4 का, तो वो 4 नंबर एंटर करवाना है, वो वेरिएबल किसी में तो जाएगा ना, 4 स्टोर होगा। देखो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, ये आपको मालूम है। उसके बाद इन, ये तो हो गया आपका नंबर के लिए कि आपको किस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। आई हो गया आपका लूप घुमाने के लिए, और आपका ये जो आंसर है वो आंसर किस वेरिएबल में जाइए उसका नाम हमने रख दिया फैक्ट, यानी कि फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल शुरू में हम 1 इनिशलाइज करवा के चलेंगे, वो आपको रीज़न नीचे पता चल जाएगा, क्योंकि शुरू में इस टाइम पर फैक्टोरियल की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या लेके चलेंगे, 1। प्रिंट एफ, आप वो नंबर एंटर करो जिस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। स्कैन एफ, वो जो एन है हमारा वो इंटीजर टाइप का, परसेंट डी एम परसेंट एन, 4। अब ध्यान से देखना, लूप चलाना है ना, अब ये लूप कब तक चलाना है, देखो मैं कह रही हूँ कि पहले नंबर 4 है, फिर उसके बाद उस नंबर को 3 करना है, फिर उसके बाद उस नंबर को 2 करना है, फिर उसके बाद उस नंबर को 1 करना है। इसका मतलब मुझे आई की वैल्यू एन से शुरू करके धीरे 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 कम करती जानी है, और तब तक कम होती जाएगी जब तक कि वो 1 से बड़ी है। देखो आई हमारा एन के इक्वल है, आई तब तक चलेगा जब तक कि वो 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है, और आई माइनस माइनस। इस बार हमें वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं करना बल्कि डिक्रीज़ करना है। पहले 4 थी, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, तब तक, ठीक है। फिर फॉर लूप के अंदर गए, फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आई, यानी कि ये चीज़ शुरू में फैक्टोरियल की वैल्यू देखो क्या है, 1 × 4 चला गया, फिर दोबारा चला, अब ये हो गया 4, फिर ये क्या बना, 3, 4 × 3 बन गया, फिर दोबारा आया, इसकी वैल्यू 4 × 3 है, ये क्या बना, 2, फिर दोबारा आया, इसकी वैल्यू 4 × 3 × 2 है, और इसकी 1, और फिर उसके बाद लूप से बाहर आ जाएंगे और फैक्टोरियल की वैल्यू इकट्ठी होगी। फैक्टोरियल इज परसेंट डी फैक्ट गेट सी एच। अब देखो एंटर द नंबर 5, अब जैसे हमने 5 एंटर किया, अब इसके अकॉर्डिंग चले, पहले आई हुआ 5, क्या 5 1 से बड़ा है, यस, अंदर गया, फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी क्या बन गई, फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी बन गई 1 × 5, क्योंकि फैक्टोरियल शुरू में 1 है, 5 हो गया फैक्टोरियल। दोबारा लूप आया, अब दोबारा लूप आया तो अब हमारे पास फिर 5 होगी, अच्छा अब आई हमारा 4 हो चुका है, फैक्टोरियल फिर आया, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 5, आई की वैल्यू 4 कितनी बन गई, 20। फिर आगे दोबारा चले, अब फिर आई की वैल्यू कितनी होगी, 3, और फैक्टोरियल की वैल्यू 20 कितनी होगी, 60। फिर दोबारा गए, फैक्टोरियल की वैल्यू है 60, आई की वैल्यू कितनी है, 2 120। फिर आगे गए, फैक्टोरियल की वैल्यू 120 और आई की वैल्यू 1 120। फिर उसके बाद लूप से बाहर आ गए, देख लो, एंटर द नंबर 5, फैक्टोरियल इज 120, कंप्लीट हो गया।